रूस के साथ भारत की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है। युद्ध के संकट काल में सारी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों ने हाहाकार मचा दिया था। इसके साथ ही रूस पर प्रतिबंधों के लगने वहां से कच्चे तेल की सप्लाई भी कम हो गई थी। ऐसे में भारत ने रूस से कम दाम पर कच्चा तेल खरीदकर अपने व्यापार घाटे को बढ़ने से रोकने में कामयाबी हासिल की है। अब हालत ये है कि रूस सितंबर में भारत को क्रूड सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में सऊदी अरब के बाद फिर से दूसरे नंबर पर आ गया है। सितंबर में भारत ने रूस से करीब 18.5% ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। सितंबर में भारत ने रूस से रोजाना 8.7 लाख बैरल क्रूड का आयात किया है। इससे पहले जून में भारत ने रूस से 9.33 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड का आयात किया था। इस बिक्री की वजह से रूस सऊदी अरब के बाद भारत को कच्चा तेल बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत का सबसे ज्यादा इकोनॉमी में जो खर्चा है, एक्सपोर्ट का जो खर्चा है, वो है तेल का। लगभग $155 बिलियन के करीब हम तेल खरीदारी करते हैं, जिसमें कि अब रशिया ने सबसे ज्यादा हेल्प की है, क्योंकि रशिया से हम लगभग 10 लाख बैरल की खरीदारी करते हैं। और इस समय रशिया भारत को सस्ता तेल प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी में काफी सपोर्ट मिल रहा है। और चूंकि इस समय रिसेशन का दौर है, यूएस, यूरोप सभी जो है वो रिसेशन से जूझ रहे हैं, और ऐसे में सस्ता कच्चा तेल भारत की इकोनॉमी को वापस से उबरने में मदद कर सकता है। इसके पहले अगस्त में इराक भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ था। अगस्त में 3 महीने के बाद सऊदी अरब ने रूस को दूसरे से तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। अब सितंबर में भारत को क्रूड सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट के टॉप 5 नामों को देखें तो पहले पर सऊदी अरब है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे नंबर पर इराक है, चौथे पर संयुक्त अरब अमीरात और पांचवे पर अमेरिका है। भारत दुनिया का कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और ग्राहक है। रूस से आयात बढ़ने की वजह वहां से मिलने वाला डिस्काउंट रहा है। हालांकि अब ये डिस्काउंट घटकर आधा रह गया है। इसके बावजूद भारत का रूस से आयात जारी है। रूस से आयात बढ़ने का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। पिछले साल तक भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी महज 1% थी, जो अब बढ़कर 21% हो गई है। वहीं अमेरिका की हिस्सेदारी एक साल में 10% से घटकर 4% रह गई है। हालांकि रूस से आयात बढ़ने से मध्य पूर्व के देशों के साथ ही अफ्रीकी देशों की हिस्सेदारी भी भारत को तेल सप्लाई करने में घटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमतों में जारी रही तेजी के बावजूद रूस के इस सस्ते कच्चे तेल ने भारत की बड़ी मदद की है। अब जिस तरह से ओपेक देश उत्पादन घटाकर फिर से कीमतों को बढ़ाने का माहौल बना रहे हैं, उस हालत में भी रूस का ये सस्ता तेल भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा।